अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक करने वाले हैं। आज हम 11 से लेके 19 तक मल्टीप्लिकेशन करेंगे विदाउट कैलकुलेटर। किसी भी नंबर को अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो आप इस ट्रिक के ज़रिए से कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। हर मेथड को क्लियर करूँगा और ये फिर आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह एंड तक आप इसको करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 11 मैंने पिछली वीडियो में भी समझा दिया था, लेकिन कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न आई, तो आज इस टॉपिक के साथ उसको भी शामिल कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, हमने किसी नंबर है 2, 4, 5, इससे 11 को मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या करना है, पहला और आखिरी डिजिट लिख लेना है, पहले और आखिरी डिजिट लिख लेना है। इसको इसमें प्लस कर दिया 6, इसको इसमें प्लस कर दिया 9। तो जी ये आपका क्या आंसर आ जाएगा 11 के साथ मल्टीप्लाई करके? जी बिल्कुल, ये आपका आंसर आ जाएगा। और कोई रकम देख लेते हैं, अगर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो आपने सिंपली क्या करना है, पहला डिजिट और लास्ट डिजिट को वैसे ही लिख देना है। अब क्या होगा, 3, 4, 7, 4, 5, 9। अब 5 और 7, 12। अब ये 2 डिजिट्स आ गए हैं, तो 12 आ गया है। 12 का आपने क्या करना है, 2 लिख लेना है और 1 कैरी कर देना है। इसी तरह से आगे 7, 8, 16, 15 का 5 आ जाएगा, 1 लिख लेंगे। इसी तरह 8, 9, 17, 17 का 7 लग जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। तो आप 1, 7, 5, 1, 6, 2 और 1, 3, 9, 1, 10, 7 और 1, 8, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 11 के साथ मल्टीप्लाई। यानी इस ट्रिक के ज़रिए से आप किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका आंसर जो है वो बहुत इजीली इन अ सेकेंड्स आ जाएगा। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो आप इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेंगे। जी तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। हम इन नंबर से किसी भी नंबर को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी ट्रिक होने वाली है। आप इसको गौर से समझिएगा, हर पॉइंट को आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, हम कोई नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको हमने 12 से मल्टीप्लाई करना है। किससे? इसको हमने 12 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखें 12 का ये वाला डिजिट कौन सा है, 2, ठीक है। अब इसकी ट्रिक क्या है कि मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस नेक्स्ट डिजिट। जी मल्टीप्लाई बाय 2 नेक्स्ट डिजिट, हम किसी भी नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट डिजिट के साथ, ठीक है। अब देखें ये नंबर आपने लिख दिया, पहले वैसे लिख देना है, उसके बाद आपने ये फार्मूला लगाना है, ये ट्रिक इस्तेमाल करनी, हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस नेक्स्ट डिजिट 4, 3 2s are 6, 6 प्लस 4 10। अब 10 का क्या होगा, 0 लग जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, ये हो गया। अब 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस नेक्स्ट डिजिट 3 11, 1 लग गया, 1 कैरी हो गया। अब 4 हो गया, ये डॉट इसलिए लगा रहा हूँ ताकि समझ आ जाए ये हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5, 3 2s are 6 प्लस 5 11, 1 लग गया, एक और कैरी हो गया, 3 हो गया। आगे है 5 5 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आगे डिजिट्स कोई नहीं है, उसको हम क्या लिख लेंगे, 0, डिजिट कोई नहीं था प्लस करने के लिए, नेक्स्ट कोई भी डिजिट नहीं था, तो उसको आप क्या लिख लेंगे, 0। तो ये क्या हो जाएगा, 10। अब 10 का क्या होगा, 0 लग जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है जी। अब क्या होगा, 0 1 1 2 1 1 2 1 4, ये आपका आंसर आ जाएगा बाय मल्टीप्लाई 1 2 मतलब 12 के साथ जब आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं।
ठीक है जी, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेवन एट फाइव सिक्स फोर फाइव फोर मल्टीप्लाई बाय 12। अब इसको हमने 12 से मल्टीप्लाई करना है, वही है को नंबर को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस नेक्स्ट डिजिट कर देना। ठीक है, अब देखें पहला नंबर आपने लिख दिया, अब इस नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट डिजिट क्या है 8, 7 2s are 14, 14 में 8 प्लस किए 22 आ गया। अब 2 इधर लग जाएगा, 8 2 कैरी हो गया, 7 हो गया। अब 8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5, 8 2s are 16 प्लस 5 21, 1 लग जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा। ठीक है, 8 हो गया, उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 10 प्लस 6 16, 6 लग जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो गया, उसके बाद 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 17, 7 लग गया, 1 हो गया, उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 10 14, 14 4 लग गया, 1 कैरी आ गया, 5 हो गया, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 2, आगे डिजिट कोई नहीं है, 0 आ जाएगा, 8 आ गया, यहाँ पे आ गया 8 आ गया। ठीक हो गया, अब क्या करेंगे, 8 4 7 1 8 6 में 1 प्लस किया 7 1, में 1 प्लस किया 2 2 2 4 7 2 9, ये आपका आंसर आ गया। जी हाँ, यही आपका आंसर है। हम किसी भी नंबर को ट्रिक के जरिए से 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस मेथड को याद रखते हुए। ठीक है, अब ये चूंकि आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप किया था, अगर आप फास्ट करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो इसको आप फास्ट कर सकते हैं और इन अ सेकेंड्स भी कर सकते हैं, ये इन अ सेकेंड्स हो जाएंगे अगर आप इसको खुद प्रैक्टिस करते हैं। इसी तरह से कोई और नंबर ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जी, अब हम किसी नंबर को 13 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अब 13 के लिए ट्रिक क्या होगी, ट्रिक वही होगी, आपने नंबर को आप 2 की बजाय 3 से, जो नंबर यहाँ पे होगा वो यूनिट डिजिट पर होगा, उससे मल्टीप्लाई करना है प्लस नेक्स्ट डिजिट कर देना। ठीक है नहीं, पहला डिजिट आपने वैसे लिख लेना है 5, अब 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3, 5 को 3 से मल्टीप्लाई, उस डिजिट से मल्टीप्लाई करना और नेक्स्ट डिजिट जो होगा उसमें ऐड कर देना, 5 3 15 प्लस 3 18, 18 का 8 लग जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 5 हो गया, उसके बाद 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4, ये क्या हो जाएगा 13, 13 का 3 लग जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 3 हो गया, उसके बाद 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5, 12 प्लस 5 17, 7 लग गया, 1 कैरी हो गया, 4 हो गया, उसके बाद 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0, इतना हो गया 15, ये हो गया आपके पास 15, 15 का 5 लग गया, 1 कैरी हो गया। अब इसको ऐड कर लेंगे, 5 7 1 8 3 1 4, 8 में 1 प्लस किया 9, 5 में 1 प्लस किया 6, तो ये आपका आंसर आ गया इस ट्रिक के जरिए से, कि आप 13 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को तो वो आप विदाउट कैलकुलेटर इन अ सेकेंड्स कर सकते हैं। इस ट्रिक के जरिए से आप 14 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 16 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 17 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह 18 और 19 के साथ भी आप इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की ट्रिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर इस ये आपको मेथड अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट ट्रिक वीडियो हो वो डायरेक्टली आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर।